दोस्तों, अगर बवासीर की समस्या से हैं परेशान तो आज मैं आपके लिए दो तरह की इफेक्टिव रेमेडी लेके आई हूँ। एक है मसों को जड़ से ख़त्म करने के लिए, दूसरा है बवासीर की समस्या को हम अंदर से कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बवासीर की जो समस्या होती है दोस्तों, पेट की खराबी से होता है। स्पेशली जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं, जिन्हें कब्ज बहुत ज़्यादा बनी रहती है, उनके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है दोस्तों। इससे कब्ज तो आपकी जड़ से ख़त्म होकर साथ साथ पाइल्स की समस्या को भी बुरी तरह से ख़त्म कर देता है। बस इसे बताए गए अनुसार आपको लेना है। और मसों के लिए जो क्रीम बता रही हूँ उसे भी आप ध्यान से देखिए, अगर मसों की समस्या है तो उसे भी जड़ से ख़त्म कर देगा। सिर्फ 7 दिन आप इस उपाय को, दोनों उपायों को करके देखिए, आप देखेंगे कि आपकी 90% बीमारी ठीक हो जाएगी सिर्फ 1 हफ्ते में। अगर आपने इसे नियमित रूप से 1-2 महीने कर लिया तो जड़ से इन समस्या को ख़त्म कर देगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, सबसे पहले मसों की समस्या को दूर करने के लिए हम बनाते हैं क्रीम। तो क्रीम को बनाने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हम लिए हैं, ये है प्याज। जो सिंपल प्याज घर में हम यूज़ करते हैं उसी को लिए। अगर आपको सफ़ेद प्याज मिल जाए दोस्तों तो आप उसे यूज़ करिएगा, और भी ज़बरदस्त फ़ायदा करता है। तो प्याज को क्या करना है, प्याज को छील लीजिए, उसे कर लीजिए कद्दूकस कर लीजिए, या फिर आप इसे चॉप करके भी छोटा छोटा सा फाइन सा यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छा, अगर आप इसे चॉप नहीं कर सकते हैं तो आप इसे क्या करिए, मिक्सी के जार में पीस लीजिए। यानी आपको इसको बिल्कुल फाइन सा बनाना है। देखिए किस तरह से फाइन सा बना रहे हैं। तो ये इसमें क्योंकि रस भी निकलेगा तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इस तरह से कद्दूकस कर लीजिए। तो हमें इसका पूरे प्याज को, एक प्याज लीजिए मीडियम साइज़ का, पूरा प्याज हमें यूज़ करना है। दोस्तों, प्याज में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पाइल्स के मसों को पूरी तरह से श्रिंक कर देते हैं, यानी सुखा देते हैं, उन्हें छोटा कर देते हैं, और वहाँ पर जो दर्द सूजन होती है उसको भी दूर करता है। तो प्याज बहुत इफेक्टिव है। हमने प्याज और घी वाली रेमेडी जो दी है दोस्तों, उसे आप जरूर देखिए। उसे कई सारे ऐसे पॉजिटिव फीडबैक आए हैं जिससे पाइल्स की समस्या पूरी तरह से ठीक हो गई है। तो ये देखिए, हमने इसको कद्दूकस कर लिया। बस ऐसे ही आप भी इसे कद्दूकस कर लीजिए। ये सबसे आसान तरीका होता है, इसलिए मैं आपको कद्दूकस करना ही बताती हूँ, क्योंकि ये सिंपली है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हो गया, एक प्याज लिया है। नेक्स्ट चीज़ है, इसमें लेंगे एलोवेरा। एलोवेरा का जो लीफ होता है दोस्तों, इसके अंदर जो जेल पाया जाता है, ये हमारी त्वचा की बीमारी को ठीक करता है, साथ साथ पाइल्स के पेशेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एलोवेरा की आधी इंची के जो लीफ है ना, इसको काट के इसके जेल को निकाल के सुबह सुबह खाली पेट आप खाना शुरू करें। इससे भी पेट के जो विकार होते हैं, गैस, एसिडिटी, कब्ज की समस्या को दूर करता है। और बहुत ही हेल्दी चीज़ होता है एलोवेरा। अगर आपके घर में एलोवेरा बना है तो एलोवेरा को आप इसी तरह से छील के सुबह में, मॉर्निंग में आप एक खीरा लीजिए, उसमें एलोवेरा की ऐसे 1 इंची की इसे जेल निकाल के उसमें डाल दीजिए, थोड़े से उसमें गाजर डाल दीजिए, ऐसे जो जूस बना के सुबह सुबह पिया करिए ब्रेकफास्ट में, ये आपके लिए दवा की तरह काम करता है। तो सुबह सुबह अगर आप जूस पीते हैं ना, कैसे पाइल्स के जो पेशेंट होते हैं उनको कहा भी जाता है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए उन्हें लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना चाहिए, पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। इसीलिए बढ़ानी चाहिए कि जब पानी ज़्यादा जाएगा, लिक्विड ज़्यादा जाएगा, तो हमारी जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है दूर होती है, क्योंकि स्टूल्स उससे सॉफ्ट होते हैं और फाइबर्स ज़्यादा ज़्यादा इंटेक करना होता है। तो इसके लिए पानी और लिक्विड डाइट लेना है। देखिए, यहाँ पे दोनों चीज़ तैयार हो गया है। यहाँ पे जेल को अगर मेज़र करेंगे तो आप 2 बड़े चम्मच जेल भी यूज़ करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंडक्शन पे हमने रख दिया है इन दोनों चीज़ों को। इसके साथ 2 बड़े चम्मच आपको लेना है देसी घी। दोस्तों, वीडियो जब बना रहे थे तो उसमें ये चीज़ जब देसी घी डाल रहे थे तो उस समय कैमरा ऑफ हो गया था, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो आपको इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डालना है। देसी घी डाल के आप इसको इसी तरह से प्याज और एलोवेरा को पकाएंगे इसी देसी घी में। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और जब ये पक जाए, देखिए पक जाता है ना, तो इसे नॉर्मल हो जाने दीजिए, इस तरह से ठंडा हो जाने दीजिए। अब इस ठंडा जब हो जाए तो आप इसे एक लीजिए कॉटन का कपड़ा, उस पर छान के जो इसके अंदर का जो घी बन के तैयार हुआ ना, इसी घी को आपको मसों पे लगाना है। मसों पे कैसे लगाएं, कुछ कमेंट्स आते हैं कि बाहर के मसे तो इससे हम लगा लेते हैं, अंदर के मसे, तो दोस्तों इसको आपको एडजस्ट करके मसों पे लगाना है, अंदर हो या बाहर, जो भी मसे हैं उसको कॉटन के हेल्प से आप इसको लगाइए। और इसको लगा के सबसे बेस्ट तरीका होता है, दिन में अगर आप घर में ही रहते हैं तो दिन में आप 2 से 3 बार लगाइए, और रात में सोते समय कॉटन में आप इसको जो घी है अच्छे से डिप कर दीजिए, और इसको लगा के आप रात भर के लिए इसी तरह पड़े रहने दीजिए। इससे दोस्तों, अगर आप इससे दिन में 2 से 3 बार
आपने इसको इस घी को उपयोग करना स्टार्ट कर दिया, आप देखेंगे पहले दिन ही आपके जो मसलों में दर्द जलन होती है पहले दिन ही ठीक कर देता है, और 2 से 3 दिन लगातार करने पे ये पूरी तरह से मसलों को सुखा के ख़त्म कर देता है। अगर मान लीजिए बहुत पुराने मसले हैं तो कम से कम 1 हफ्ते 7 दिन तो आप इसे ज़रूरी करें, दिन में 2 से 3 बार। अगर इसे ज़्यादा भी लगाते हैं तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, मसलों को सुखाता है। बस फिंगर की हेल्प से या फिर कॉटन की हेल्प से मसलों पर इसको मसाज जरूर करिए। और सबसे पहले आप क्या करिए, जब मसले हैं तो आप उसको, मैंने कई वीडियो भी आपको दिया है कि किस तरह से आप सफाई कर सकते हैं, नीम की पानी लीजिए। नीम का पानी, अगर आपको नीम का पत्ता नहीं मिलता है तो गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच हल्दी डालिए, थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर डालिए, और उससे जो मसले होते हैं सबसे पहले उसके कॉटन की हेल्प से साफ़ कर लीजिए। उससे क्या होता है, जो ऊपर के फंगस वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद इस घी को आप अप्लाई करेंगे तो आपको इससे बहुत ही ज़बरदस्त आपको असर मिलेगा। आप 7 दिन ही सिर्फ करके देखिएगा, ये रेमेडी इतना चमत्कारिक है कि मसलों की समस्याओं को पूरी तरह से ठीक कर देगा। बस बताए गए अनुसार दोस्तों, अगर आप इसे ईमानदारी से 7 दिन करते हैं, दिन में 3 से 4 बार लगाते हैं, तो मसले ख़त्म हो जाते हैं। अब चलिए मैं आपको खाने के लिए एक चूरन बनाना बता रही हूँ कि कैसे आप इस चूरन को बना के और आपकी जो कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि कब्ज जब तक ख़त्म नहीं होगा, एक्सटर्नल जो मसले हैं वो तो ठीक हो जाएंगे लेकिन फिर से बन जाएंगे, क्योंकि आपके पेट में बीमारी है। तो पेट की बीमारी को दूर करने के लिए आपको ये चूरन बनाना बहुत ज़रूरी है। और इस चूरन को एक बार बना के आप खाना स्टार्ट करिए, इतना चमत्कारिक है कि आपके पेट के कई सारी बीमारियों को ठीक करेगा और कब्ज को तो पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर देगा, और पेट में कभी गैस भी नहीं बनेगी, गैस एसिडिटी से संबंधित जो समस्या होती है वो भी नहीं होगी। और आपके पेट में अगर कभी कभी ऐसा होता खाते हैं आपके पेट फूलने लगता है, मरोड़ होता है, दर्द होता है, वो सारी समस्याओं को दूर करता है। मसालों के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 चीज़ लिए हैं। पहली चीज़ है देखिए अजवाइन। अजवाइन जो होता है आप घर में जानते हैं, अजवाइन का यूज़ करना, अजवाइन तो अपने आप में बहुत चमत्कारिक होता है, हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये कब्ज की समस्या को दूर करता है, गैस एसिडिटी कभी नहीं बनने देता है। तो यहाँ पे 10 ग्राम की मात्रा में ले रहे हैं अजवाइन, 10 ग्राम की मात्रा में जीरा और 10 ग्राम की मात्रा में सौंफ। ये देखिए हरी वाली सौंफ है, अगर आपको हरी वाली सौंफ मिले तो इसे लीजिए, क्योंकि इसमें स्मेल अच्छी आती है। और हरी वाली सौंफ नहीं मिलती तो आपके पास अगर मोटी वाली सौंफ है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए नेक्स्ट चीज़ है जीरा। ये 3 मसालों को आपको ज़रूर यूज़ करना है अगर आपके पाइल्स के मसलों को, पाइल्स की बीमारी को, कब्ज को पूरी तरह से ठीक करना है। ये 3 मसाले अपने आप में बहुत चमत्कारिक हैं, पेट की सारी बीमारियों को दूर करते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हम लिए हींग। हींग जो होता है दोस्तों ये भी हमारे पेट में गैस एसिडिटी नहीं बनने देता और पाइल्स के पेशेंटों के लिए दवा की तरह काम करता है, तो आपको ये हींग भी इसमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे 10-10 ग्राम की मात्रा में, यानी तीनों जो मसाले हैं आपको समान मात्रा में लेना है, आप अपने हिसाब से जितने बचाएँ उतना बना के तैयार कर सकते हैं। हींग यहाँ पर आप 2 चम्मच डालिएगा। ये देखिए 1 चम्मच हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से 1 चम्मच जो टेबल स्पून आता है उससे नहीं आप मेज़र करेंगे, टीस्पून जो खाने वाला चम्मच होता है इसी से। तो यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे देखिए हम हींग पहले ले ले रहे हैं, 1 चम्मच हींग अभी बाद में आप ऐड करिएगा। 2 चम्मच आपको इसमें हींग डालना, हींग ज़रूर डालिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके पेट की बीमारियों को दूर करेगा, आपके पाइल्स की समस्या को दूर करेगा। अब इन सारे मसालों को आप ले लीजिए कढ़ाई, उसमें अच्छे से भून लीजिए। भूनने का मतलब ये है कि इसे जलाना नहीं है, ना तो इसका कलर चेंज होना, बस इतना भूनिए जब चिटचिटाने लगे ना तो समझ जाइए इसका मॉइस्चर निकल गया है, बस उसी टाइम पे आप गैस को ऑफ कर दीजिए और इसे पूरी तरह से ठंडा हो जाने दीजिए। इसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं होता है, नहीं बहुत भून देंगे तो जिन मसालों का जो तत्व होता है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। तो बस इसे इतना ही भूनना है, जब इसमें आवाज़ आने लगे तो समझ जाइए मसाला भून गया, बस उसी टाइम पर गैस ऑफ कर देना है। तो दोस्तों मसालों को ठंडा होने के लिए एक प्लेट में ट्रांसफर कर दिए हैं, उसमें 1 चम्मच यहाँ पर हींग और डाल दिया, 1 चम्मच पहले ही डाल दिया थे, तो 2 चम्मच यहाँ पर हो गया हींग। अब इन मसालों को पूरी तरह से अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद ही आप इसे पीसिएगा, गरम गरम मिक्सी के जार में नहीं पीसिएगा। गरम गरम मसाले पीसने से मिक्सी का जार भी ख़राब हो जाता है और इसका जो ढक्कन होता है वो भी ऊपर की तरफ छटक जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा जब ठंडा हो जाए तभी आप इसे पीसिएगा। और हींग पाउडर ज़रूर डालना, इसे मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ। देखिए पीसने के बाद बिल्कुल फाइन सा पाउडर हो जाता है। तो यहाँ पर बन के तैयार हो गया ये हमारा 4 मसाले के साथ जो मिश्रण बना है दोस्तों, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बस अब आपको इसको कैसे लेना है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसे सुबह शाम 1-1 चम्मच गुनगुने पानी से भी आप फाँक सकते हैं, ये भी फ़ायदा करेगा। लेकिन इससे भी ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ इसको खाने का, जिससे आपको ये और भी स्वादिष्ट लगेगा और आपके पेट के अंदर के जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरिया, उनको भी ख़त्म करेगा।
क्योंकि इसमें जो चीज़ हम मिलाने जा रहे हैं दोस्तों वो है बहुत ही इफेक्टिव सी चीज़ जिसे हम कहते हैं प्रोबायोटिक चीज़। प्रोबायोटिक जो दही होता है इसमें प्रोबायोटिक होता है, ऐसा प्रोबायोटिक होता है जो हमारे पेट के अंदर के जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म करने का काम करता है। तो आपको लेना एक कटोरी ताजी दही, उसमें डालिए एक चम्मच ये चूरन जो आपने बना के तैयार किया है। तो अगर आप इस तरह दही कुछ लोग होते हैं, लेकिन दही जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं उन्हें ज़रूर खाना चाहिए। दही बहुत ही हेल्दी होता है, हमारे पेट के बहुत सी बीमारियों को ठीक करता है। अगर आप दही नहीं भी खाते हैं तो आप खाना स्टार्ट करिए, ताज़ी दही खाना स्टार्ट करिए। कुछ लोग होते हैं ना खट्टी दही खाते हैं, खट्टी दही मत खाइए, रात को जमाइए सुबह खाइए, सुबह को जमाइए शाम को खाइए, इस तरह से ताज़ी दही आप खाइए। इसमें डाल दीजिए एक चम्मच ये चूरन, उसके बाद आप इसमें डालिए सेंधा नमक या फिर काला नमक, इन दोनों नमक में से कोई भी एक नमक यूज़ करेंगे। प्लेन सॉल्ट आपको डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए, प्लेन सॉल्ट डायरेक्ट खाने से हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, और डायरेक्ट कच्चा नमक तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। उसे पका के खाते हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक है, लेकिन कच्चा इस तरह से डायरेक्ट कभी भी सादा नमक नहीं खाना चाहिए। तो इसमें आप काला नमक या फिर सेंधा नमक ही ऐड करेंगे, बस इसको अच्छे से मिक्स करिए। अगर आप चाहें, कब्ज के बहुत पुराने पेशेंट हैं दोस्तों, तो बहुत ही ज़बरदस्त मैंने रायता बताया था ना, इसी में एक खीरा ले लीजिए, थोड़ा सा प्याज ले लीजिए, उसको भी कद्दूकस कर लीजिए या फिर छोटा छोटा फाइन सा चॉप कर लीजिए, थोड़ा सा टमाटर ऐड करके, तो जो सब्जियाँ बन जाएंगी ना उन सब्जियों को इसी दही के अंदर ऐड कर दीजिए। तो ये आपके लिए फाइबर भी तैयार हो जाएगा सारी सब्जियाँ, और दही के साथ मिक्स करके खाएंगे बहुत मज़ेदार लगता है। ये तो मैं अक्सर ही बना के खाती हूँ, इसको पेट जब कभी भी डिस्टर्ब होता है ना तो इसी तरह से खूब सारी जो सब्जियाँ होती हैं, गाजर है और यहाँ पे प्याज ले लेते हैं, प्याज भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं अगर उनको खूनी बवासीर की समस्या है तो कच्चे प्याज को इसी तरह से रायते में डाल के अगर खाते हैं तो खूनी बवासीर तुरंत ही ठीक हो जाता है। बहुत ही इफेक्टिव ये चीज़ होता है दही के साथ अगर प्याज खाते हैं तो। इस तरह सब्जियों को भी डाल के इसी तरह रायता बना के इसमें आप ऐड कर सकते हैं मसालों के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो इस तरह से दोस्तों अपनी पाइल्स की समस्या को, दोनों तरह से, मसलों की समस्या है तो आप ये जो हमने बताया घी, इस तरह से घी को तैयार करिए, इसे मसलों पर लगाइए, और ये दही के साथ बताए इसे आप खाएंगे तो पेट के विकार ठीक होंगे, आपका कब्ज ठीक होगा, और पाइल्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा करता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।